करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रबुलिसत के लिए हैं वालेकुम लिसनर्स मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नुशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में आप सबको खुश आमिदीद कहती हूँ लिसनर्स कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना पसंद करते हैं अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग यकीन बहुत पसंद करेंगे और उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे भी मेरी आज की स्टोरी पर जो लाइफ टारगेट है ये फ़ाइव हंड्रेड है और इन आप लोग इसे ज़रूर कंप्लीट करेंगे बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ ये खौफनाक कहानी मरीम ख़ान शेयर कर रही हैं कराची से मरीम कहती हैं आज, आज आपके साथ यहाँ कराची ज़ू का एक हॉर इंसिडेंट एक नाकले फरामोश वाक्य शेयर करना चाहती हूँ आज से पाँच साल पहले की बात है यहाँ पर जो कराची जू है वहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन हो रही थी कुछ काम जारी था बहुत कम फैमिलीज वहाँ पर जाती थी लेकिन अभी भी वहाँ पर काम जारी था तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे जिन्होंने ये नाकाम फरामोश किस्सा मेरे फादर के साथ शेयर किया मेरे फादर जो थे वो आर्मी में थे तो उनका जब वहाँ पर विज़िट हुआ तो उसने उनको ये बात सारी बताई वो तो कहता है कि यहाँ पर जैसे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था तो यहाँ पर जो ऑनर थे जो मैनेजमेंट में थे जो आ, सारे कंस्ट्रक्शन करवाते थे उनके मुझे कॉल आई उनका ये कहना था कि आज लास्ट डे है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का तो आज तुम ही यहाँ पर रुक जाना मेरा आना मुश्किल होगा तो अपनी जिम्मेदारी में अपनी सुपरवियर में सारा काम कंप्लीट करवा लेना कहीं कोई कमी बेशी ना रह जाए सिक्योरिटी गार्ड ने कहा ठीक है मैं अपनी निगरानी में सारा काम करवा लूँगा मैं देख लूँगा और जो भी वो काम करके जाएंगे मैं आपको बता दूंगा। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि मैं वहीं पर वेट कर रहा था तो रात के दो बजे के करीब ज़ू के पास एक वैन आकर रुकी जिसमें से पांच आदमी और एक औरत निकले मेरे से आकर ये कहने लगे कि हम लोगों ने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट करना है मैंने जब उन्हें देखा मैंने कहा हाँ ठीक है आ जाओ लेकिन उनके साथ जब मैंने उस ख़ातून को देखा तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर फ़ीमेल का क्या काम है आप ये ख़ातून साथ क्यों लेकर आए हैं तो उनमें से एक आदमी बोला और ये कहने लगा कि मेरी वालदाएँ है और मैं इनको अकेला घर नहीं छोड़ सकता था इसलिए इनको अपने साथ ले आया हूँ मैंने उनसे कहा ठीक है तुम लोग जाओ जाकर काम शुरू करो मैं भी आकर देखता हूँ वो लोग अंदर चले गए और काम करने लगे सिक्योरिटी गार्ड जो था वो बाहर अपने ड्यूटी पॉइंट पर ही था तकरीबन आधा घंटा गुजरा तो ज़ू के अंदर से एक जानवर की रीछ की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं ऐसा लग रहा था कि जैसे उस रीछ पर कोई टॉर्चर कर रहा है उसको मार रहा है सिक्योरिटी गार्ड ने जब ये आवाज़ें सुनी तो वो भागता हुआ जू की तरफ बढ़ा अब वो सिक्योरिटी गार्ड था उसको तो पता था कि किस जगह पर कौन से जानवर का सेल है वो सीधा रीछ की तरफ ही गया जहाँ से उसको आवाज़ें आ रही थी तो जैसे वो गया तो वहाँ पर उस रीच को उन पांच आदमियों ने उस औरत ने यूँ पकड़ा हुआ था और वो उसके पिंजरे से उसको बाहर निकाल रहे थे इतने बड़े बियर को वो पांच लोग बाहर घसीट कर निकाल रहे थे और उस पर इस तरह से झपटे हुए थे जैसे उसको ज़िंदा निकल जाएंगे जब सिक्योरिटी गार्ड ने देखा तो उसने ये कहा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो एक बेज़ुबान जानवर को इस हद तक क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो तकलीफ दे रहे हो तुम लोग इसको छोड़ दो तुम्हारे इससे क्या लेना देना है और तुम लोगों ने ये पिंजरा कैसे खोला है बताओ मुझे अभी वो ये पूछ ही रहा था वो जो पाँच आदमी और एक औरत थे उसके देखते ही देखते वहाँ पर वो ग़ायब हो गए और वो जो रीच था वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधा खड़ा हुआ था वो लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो गया जैसे सिक्योरिटी गार्ड आगे गया उसने जाकर उस रीछ को देखा तो वो मुर्दा था वो नीचे गिरा उसके जिसम पर इस तरह से नोचे हुए निशान थे सिक्योरिटी गार्ड जो था वो बहुत डर गया उसने फ़ौरन से अपने ऑनर को कॉल की मैनेजमेंट में कॉल की पहले तो उनको यकीन नहीं आया जैसे सुबह वो लोग आए तो उन्होंने जब वो उस मुर्दा रीछ को देखा तो वो लोग हैरान हो गए और उनका ये कहना था कि इसके जिसम पर तो इस तरह से निशान है जैसे इसको कोई ज़िंदा नोच रहा है शायद वो जन्नात थे जो जानवरों का शिकार करने आए थे तभी उस सिक्योरिटी गार्ड ने यह कहा कि जब भी मैं रात को यहाँ पर ड्यूटी दे रहा होता हूँ तो मुझे उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ड्राउनी आवाज़ें सुनाई देती हैं ऐसा लगता है कि जैसे जानवर रो रहे हैं वो डर रहे हैं उनकी आवाज़ें इतनी वहशतनाक ना, होती हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि इनको क्या हो गया है और जब मैं सुबह जाकर देखता हूँ तो किसी ना किसी पिंजरे में कोई ना कोई जानवर मुर्दा हालत में होता है बहुत अजीब वहाँ पर ये माजरा हुआ उसके बाद वो जो ज़ू है वो आज भी वहाँ पर है वहाँ पर पाँच बजे तक सिर्फ फैमिलीज़ जाती हैं और बहुत कम लोग जाते हैं मेरे फ़ादर वहाँ पर विज़िट पर गए थे तो उनको सिक्योरिटी गार्ड ने ये माजरा बताया ये किस्सा बताया नाकाम फराम जो मैंने आपके साथ शेयर किया बहुत शुक्रिया आ, मरियम ख़ान आपका इसी तरह से पार्टिसपेट करते रहें मेरी चैनल की ऊपर खौफनाक कहानियों में लिसनर्स जिस तरह से जन्ात को नुकसान पहुँचाते हैं जिस जिस तरह जन्त इंसान को नुकसान पहुँचाते हैं इसी तरह से ये जानवरों को भी नुकसान पहुँचाते हैं आप लोगों ने ऑलरेडी सुना हुआ है मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था जैसे सिंध में वो एक गैर मरे मखलूक एक जिन है या जो भी है वो जानवर है वॉट एवर जब बकरियों का खून चूसता है इसी तरह से कुछ लोगों की गायें भैंसें होती हैं उन पर ये हमले हो जाते हैं तो कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ पर इंसान या जानवर के साथ ये मखलूक क्या कर जाए बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ ये खौफनाक कहानी मदीहा शेयर कर रही है मदीहा कहती हैं आज आपके साथ अपनी ख़ुद की जिंदगी में पेश आने वाला एक बहुत ही ज़्यादा ड्रामना किस्सा शेयर करना चाहती हूँ आज से ग्यारह साल पहले की बात है आ, मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड की जॉब जो थी आ, वो एक कंपनी में थी तो उनकी पोस्टिंग होगी दूसरे शहर में हम लोगों को जाना पड़ा तो मैं भी उनके साथ ही थी हम लोग चले गए हम लोगों की शादी को भी दो तीन माह ही हुए थे उसके बाद उनकी पोस्टिंग होगी तो हम लोग चले गए हम लोगों की जो पोस्टिंग हुई थी वो सखर में हुई थी हम लोग वहाँ पर गए वहाँ पर आ, हम लोगों को अभी कंपनी की तरफ से जो घर मिलना था वो भी नहीं अलॉट हुआ था तो वक्ती तौर पर मेरे हस्बैंड के वहाँ पर एक दोस्त थे तो उन्होंने हम लोगों के रहने के लिए एक घर का बंदोबस्त किया हुआ था वो घर जो था वो एक बहुत ही पुरानी सी सोसाइटी लग रही थी लेकिन वहाँ पर हैरत अंगेज़ बात यह है कि वहाँ पर घर नहीं थे बहुत कम घर थे पहले तो ऐसा होता है कि जो नई सोसाइटीज़ होती हैं जो नई कॉलोनीज़ होती हैं वहाँ पर नए नए घर बन रहे होते हैं तो इतनी ज़्यादा आबादी नहीं होती वो जो कॉलोनी थी वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी वहाँ पर जो घर थे वो काफ़ी ज़्यादा कदीम और पुराने थे लेकिन वहाँ पर आबादी बहुत कम थी कुछ घर ऐसे थे जो बने ही नहीं तो वो खंडरात बन गए कुछ घर ऐसे थे जो बने हुए थे लेकिन बहुत पुराने बने हुए थे वहाँ पर रिहाइश कम थी हम लोगों ने वक्ती तौर पर उस घर को लिया था हम लोग अगर वहाँ पर रहते भी तो शायद एक माह ही रहते हम लोग उस घर में गए हम लोगों का सामान भी शिफ्ट हो गया वो घर बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं था और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं था ठीक था वो घर हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए जैसे कि हम लोग सिर्फ दो लोग ही थे तो इतना ज़्यादा काम का इशू नहीं होता था फिर भी हम लोगों के साथ हम लोगों की एक मेट भी थी वो शुरू से ही हम लोगों के साथ ही थी तो जब हम लोगों की पोस्टिंग हुई तो मैं उसको भी साथ ले गई मुझे ये था कि वहाँ पर घर में मैं अकेली हूँगी तो चलो ये मेरे साथ तो होगी ना हम लोग वहाँ पर गए अपना बेडरूम भी था हम लोगों ने मेट को भी एक कमरा दे दिया उसका रूम अलग था तो वहाँ पर हम लोगों ने रहना शुरू कर दिया मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था जून जुलाई का महीना था जब हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हुए वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी अभी जाते साथ तो वहाँ पर कोई एसी वगैरह का सिस्टम नहीं था तो अभी हम लोगों को वहाँ पर शिफ्ट हुए तकरीबन तो पाँच छः दिन ही गुजरे थे सेटिंग में ही ये दिन गुजर गए इतना ख़ास आइडिया ही नहीं हुआ जो मेरी मेड थी वो अक्सर ये बात कहा करती थी कि मुझे यहाँ पर डर लगता है अकेले कमरे में जब मैं सोती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे इस कमरे में कोई आता है और बकायदा मुझे आ, उसकी अपेयरेंस फील होती है कोई मेरे जिसम पर आकर जैसे मेरा कोई कभी सर पकड़ लेता है कभी मुझे कोई जगा देता है कभी कमरे की कोई चीज़ हिला देता है गिरा देता है जब मेरी आँख खुलती है तो कमरे का दरवाज़ा स्टिल बंद होता है लेकिन मुझे अपने कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है मैंने उसे ये कहा डरने की ज़रूरत नहीं है नई जगह पर आए हैं तो ऐसा बाजूत महसूस हो जाता है मुझे फ़िलहाल ऐसा कुछ भी फ़ील नहीं हुआ था एक से दो दफ़ा मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे मैं किचन में आ, कोई काम कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे आकर कोई खड़ा हुआ है तो मुझे ये लगता था मेरी मेड है जब मैं पीछे पलट कर देखती थी तो कोई नहीं होता था एक से दो दफ़ा बस ये मेरे साथ हुआ फिर मैं भी इसको वहम ही समझती थी तो एक रात की बात है हम लोग छत पर सो रहे थे तो वहाँ पर गर्मी थी जैसे नीचे सोया नहीं जाता था तो हम लोगों ने वकती तौर पर ऊपर चार पाइँ बिछाईं एक तरफ मेरी चारपाई थी एक तरफ मेरे हस्बैंड की चारपाई थी मेरी जो चारपाई थी वो सीढ़ियों की तरफ थी मेड जो थी उसको हमने कहा था तुमने ऊपर सोना है तो तुम आ जाओ उसने ये कहा कि नहीं मैं नीचे ही ठीक हूँ वो सेहर में उसने चारपाई बिछा ली मुझे बहुत सब प्यास लगी तो मेरी आँख खुल गई तकरीबन पौने दो बजे का टाइम था तो मैं उठी और मैंने सोचा मैं जाकर ना पानी पी लेती हूँ नीचे से उस दिन पानी ऊपर रखना याद नहीं रहा पहले एक दो दिन हम सोए तो मैंने पानी ऊपर रख लिया था जैसे मैं अपनी चारपाई से उठी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो सीढ़ियों की दीवार है वहाँ से मुझे कोई देख रहा है यानी उस खड़ा हुआ कोई सीढ़ियों में उसका आधा सर और आंखें नजर आ रही थी कोई मुझे खड़ा होकर देख रहा था मैंने बकायदा वो सर देखा ऐसी मेरी नज़र पड़ी तो वो सामने था सर बिल्कुल जो मुझे देख रहा था मैंने पूछा कौन है वहाँ पर अब मुझे ये लगा कि शायद मेड होगी डर रही होगी तो सीढ़ियों में आ गई होगी मैंने पूछा कौन है वहाँ पर मेरी मेड का नेम जो था नसरीन था मैंने पूछा कि नसरीन तुम हो वहाँ पर तो वो जो सर था जो मुझे देख रहा था तो एकदम नीचे बैठा जैसे वो, वो दीवार से नीचे हुआ मैं फ़ौरन से उठी और मैंने आगे जाकर देखा तो सीढ़ियों में कोई भी नहीं था अभी एक सेकेंड पहले जो मुझे कोई देख रहा था सीढ़ियों में कोई नहीं था फिर मुझे लगा शायद वो नीचे उतर गई हो मैं फ़ौरन से नीचे गई और मैं बोलती हुई नीचे गई जैसे मैं सीढ़ियों से नीचे उतरी तो जो हम लोगों की मेड़ थी वो आराम से बिस्तर पर सोई हुई थी उसके पास भी मैं जाकर खड़ी हुई उस वक्त तक भी वो सोई हुई थी मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि मैंने बाकायदा वहाँ पर किसी को देखा था खैर मैं किचन में गई मैंने फ्रिज में से बॉटल निकाली मैंने ग्लास में पानी डाला और मैं पानी पीने लगी मुझे बहुत सख प्यास लगी हुई थी और डर भी लग रहा था अभी मैं पानी पी ही रही थी तो एकदम से मुझे महसूस हुआ कि जैसे किचन के सामने ही हम लोगों का कमरा था हम लोगों के कमरे में जैसे किसी ने दरवाज़ा खोला है और कोई कमरे में गया है। मैं वहीं पर पानी खड़ी होकर पी रही थी मैंने फ़ौरन से पीछे पलट कर देखा कमरे का दरवाज़ा बकायदा खुला और थोड़ा सा मूव हुआ मैंने फिर पूछा कि यहाँ पर कौन है अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया मैं किचन में खड़ी होकर ही नसरीन को आवाज़ें देने लगी नसरीन इधर आओ जल्दी से मुझे डर लग रहा है उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी क्योंकि वो गहरी नींद में थी उसको समझ ही नहीं आई मैं अब डर रही थी कि मैं किचन से बाहर कैसे निकलूँ क्योंकि बिल्कुल सामने ही वो कमरा था और मेरे देखते ही देखते कमरे का दरवाज़ा पूरा खुल गया मैंने उनचा ऊंचा चीखना शुरू कर दिया जैसे मैंने चीखना शुरू किया वो नसरीन भी जाग गई मेरी चीखों की आवाज़ें सुनकर ऊपर से मेरे हस्बैंड भी आ गए मैं किचन में ही थी मैं बाहर नहीं निकली मुझे बहुत डर लग रहा था उन लोगों ने मेरे से पूछा कि आपको क्या हुआ है मैंने उन्हें सारी बात बताई कि इस इस तरह से कब से ये काम हो रहा है और काफ़ी दिनों से मुझे मेड भी बता रही है और अब तो बाकायदा मुझे ऐसा लगा है कि मैंने पहले किसी को देखा और वो कमरे में गया है मेरे हस्बैंड ने फ़ौरन जाकर कमरे में देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था उन, उनका यह कहना था कि तुम्हें भी वहम हुआ है यहाँ पर कुछ भी नहीं है मैं उनके साथ दोबारा ऊपर सोने के लिए चली गई मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे नसरीन थी वो भी डर गई उसने उसने ये कहा कि मुझे भी अब नीचे डर लग रहा है मैंने नीचे नहीं सोना मैंने भी ऊपर सोना है उसकी चार पाई भी ऊपर लेकर गई उसको भी चार पाई भी चार कर दी अब सेंटर में मेरी चार पाई थी एक तरफ उसकी नसरीन की चार पाई थी और एक तरफ मेरे हस्बैंड की चार पाई थी मुझे मैं दोबारा लेट गई कहीं मेरी आंख लग गई साढ़े तीन पौने चार बजे का टाइम हुआ अभी फजर की अजान नहीं हुई थी तो एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे बालों में किसी ने हाथ लगाया है मैं तो पहले ही डरी हुई थी कहीं मेरी आंख लगी तो एकदम से वो जो हाथ लगा तो मेरी आंख खुल गई मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो जो नसरीन थी अपनी चारपाई पर बैठी हुई थी मेरी तरफ मुँह करके उसके पाँव भी ज़मीन पर थे बैठी वो चारपाई पर थी सारे बाल उसके खुले हुए थे और वो बिल्कुल मेरे सर के पास थी मैं उसको देखकर डर गई मैंने उसे ये कहा कि तुम्हें क्या हुआ तुम ये क्या कर रही हो उसके बाल उसके चेहरे के ऊपर आए हुए थे एकदम से उसने अजीबो गरीब आवाज़ें निकालना शुरू कर दी और ज़ोर जोर से अपना सर झटकना शुरू कर दिया मैंने फ़ौरन से अपने हस्बैंड को जगाया और कहा कि देखें कि इसको क्या हो गया है अभी वो उसने जैसे अपने सर को झटका दिया और वो उसके बाल अजीब वरीब उसका चेहरा और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नसरीन है ही नहीं उसमें कुछ और चीज़ है वो पता नहीं क्या है वो सीढ़ियों से ऐसे भाग कर नीचे गई जैसे हम लोग डर गए कि गिर जाएगी हम लोग उसको ऊपर से आवाज़ें दे रहे थे हम लोग उसके पीछे भागे उसने जाकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और अंदर ऊंचा ऊंचा चीखना शुरू कर दिया रोना शुरू कर दिया उसके साथ साथ किसी और की भी आवाज़ें आ रही थी ऐसा लग रहा था कि वो अकेली नहीं है उसके साथ कोई और भी बोल रहा है बहुत अजीब वो मंजर था हम लोग बाहर से दरवाज़ा खटखटा रहे थे वो दरवाजा भी नहीं खोल रही थी दस पंद्रह मिनट हम लोग दरवाज़ा खटखटाते रहे मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़ोर से दरवाजे को एकदम से जैसे वो धकेला पुश किया तो वो खुल गया पुराना घर था उसके दरवाजे भी वैसे ही थे वो जो सेंटर से डबल डोर होते हैं वो खुल गया तो हम लोगों ने देखा वो अपनी कमरे के एक कोने में बैठी हुई थी और अजीबों गरीब तरह से रो रही थी हमने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? मैं डर लग रहा था उसके पास जाते हुए कमरे की लाइट्स ऑन की उसके पास गए उस वक्त वो रो रही थी और बार बार ये कह रही थी कि वो मुझे मार देगा वो मुझे मार देगा हमें समझ नहीं आ रही थी कि कौन मार देगा कभी कहती थी वो कोई औरत है कभी कहती थी वो कोई आदमी है तो वो मेरे पास आए हैं और एकदम से उसकी हालत अजीब हो जाती दौरा पड़ने लग गया फजर की अज़ान हुई है हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया नमाज़ पढ़ी तो मेरे हस्बैंड ने फ़ौरन से यह बात उसके घर में भी बताई और उनके जो दोस्त थे वहाँ पर उनको भी बताई उनका यह कहना था कि हमें इसको किसी को दिखाना चाहिए वो फ़ौरन से आए तो वहीं पर वो किसी को जानते थे वो ये इलम वगैरह करते थे उसके पास लेकर गए उनका यह कहना था इसके ऊपर जन््त का असर हो गया साया हो गया ये जिस कमरे में सोती रही है वहाँ पर जन्नात थे वो पहले उसको ज़ाहिर करते रहे अपना आप लेकिन फिर भी ये वहाँ से नहीं गई तो उन्होंने इसको जकड़ लिया पकड़ लिया जितनी जल्दी होता है इस घर को छोड़ दें वरना वो जिन्नात आप लोगों को नुकसान पहुंचा देंगे हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए और सरीन के घर वाले भी आ गए उनको भी ये सारी बात बताई वो जो आमिल थे उस घर में भी आए उनका ये कहना था कि इस पूरे इलाके में इस पूरी सोसाइटी में जिन्नात के कबीले आबाद हैं इसीलिए लिए ये जगह आबाद नहीं है यहाँ पर जो घर हैं वो भी बीमारी ज़्यादा है यहाँ पर जो लोग हैं उनके साथ भी ये हादसे वाक़त हो चुके हैं जिनमें से बहुत से लोग घरों को छोड़ गए थे जब वो आमिल उस घर पे आए उनका ये कहना था यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस वक्त भी तादाद में जन्नात मौजूद हैं वो आपको जानी नुकसान दे देंगे यहाँ से चले जाएँ हम लोगों ने तो वहाँ पर पंद्रह दिन भी पूरे नहीं किए हम लोग चले गए न के घर वाले उसको अपने साथ ले गए उन लोगों ने उसका बहुत इलाज करवाया हम लोगों ने उनकी बहुत हेल्प की जितनी कर सकते थे उस वक्त हम लोग भी वापस आ गए कंपनी में भी ये बात पता चल गई कि हम लोगों के साथ ये मिसहैप हुआ है फिर दोबारा से जो मेरे हस्बैंड थे एक माह के बाद उनकी पोस्टिंग वहीं पर होगी जहाँ पर पहले हम लोग थे लेकिन वो जो हम लोगों ने वक्त देखा वो बहुत टफ था शुक्र है उसने इस तरह से हम लोगों को प्रोजेस्ट नहीं किया लेकिन नसरीन को भी लेकर बहुत ज़्यादा दुख था बाद में वो ठीक हो गई थी लेकिन फिर उसने काम छोड़ दिया वो काम पर नहीं आती थी जॉब उसने छोड़ दिया हम लोगों की तरफ़ से उसके घर वालों ने उसकी शादी कर दी अब वो अपनी ज़िंदगी में ठीक है कभी कभी मिलने भी आती है तो मैंने उससे मैं अक्सर पूछती हूँ अभी भी कभी बात हो तो पूछती हूँ कि तुम्हारे साथ वो जो वाक़ हुआ था तुम्हें याद आता है तो यही कहती है कि अभी कभी जब वो बातें याद आती हैं तो मैं डर जाती हूँ अब उसके बच्चे भी हैं और वो कहती है कि जब वो उस कमरे में सोती थी तो बकायदा ऐसा लगता था कि उसके पास कोई खड़ा है और वो एक नहीं काफ़ी ज़्यादा शख्स होते थे कभी ऐसा लगता था कोई चारपाई पर बैठा है कभी कोई उसको तंग करता था वो सारे मामल हम लोग बहुत ज़्यादा डरे थे और तोबास्त अखबार की कभी भी इस तरह से ऐसी कोई सोसाइटी हो जहाँ पर वीरान घर हो खाली घर हो गैर आबाद हो आबादी कम हो तो सोच समझ के वहाँ पर घर लेना चाहिए ये मेरी ज़िंदगी की कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की बहुत शुक्रिया मदीहा आपका बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ ये खौफनाक कहानी वकास है मैं शेयर करें मानचेस्टर से वकास कहते हैं आज आपके साथ मैं एक ऐसे शख्स की कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो हैदराबाद का था तो वो कहते हैं मैं इस्लामाबाद से हैदराबाद जा रहा था तो जब मैं वहाँ पर इस्लामाबाद से कराची पहुँचा तो मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था वहाँ पर मैंने एक कैब बुक करवाई तो हम लोग जा रहे थे अब हम लोग जिस रास्ते से जा रहे थे काफ़ी ज़्यादा वैरान और कच्चा सा वो रास्ता था क्योंकि हम लोगों को जिस तरफ़ जाना था वो बाहर का इलाका था तो हम लोगों को एक गांव क्रॉस करके जाना था हम लोगों के शहर में तो जैसे हम लोगों ने वो रास्ता क्रॉस करना शुरू किया बहुत ज़्यादा बादल बने हुए थे मौसम भी ख़राब था हम लोगों की गाड़ी ख़राब हो गई अब हम लोग जहाँ पर थे हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही थी ये कौन सी जगह है जहाँ पर हम लोग स्टक हो गए हैं गांव गांव का ही हिस्सा लग रहा था आबादी भी थी वहाँ पर लेकिन खामोशी बहुत ज़्यादा थी कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था हमें लगा कि शायद गांव का हिस्सा है तो लोग जल्दी सो जाते हैं जैसे गांव में तो चलो हम लोग निकल कर किसी से मदद मांग लेते हैं गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी कुछ समझ नहीं आ रही थी गाड़ी को क्या हुआ है ना वहाँ पर किसी मकैनक को जानते थे वो भी अनजान था उसको भी उस रास्ते का इतना ख़ास आइडिया नहीं था हम लोग चलते चलते वो जो गाँव की आबादी थी उसके अंदर आ गए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घर थे लेकिन वो घर इतने सुनसान और वेरान लग रहे थे जैसे उन घरों में कोई इंसान रहता ही नहीं है एक गली में गए दूसरी गली में गए कुछ घरों पर दस्तक भी दी कोई आंसर नहीं आया कोई जवाब नहीं आया मजबूर होकर जैसे ही हम लोग वहाँ से बाहर निकलने लगे तो हमें हम लोगों की बैक साइड से ऐसा लगा किसी ने आवाज़ दी है ड्राइवर ने मुझे ये कहा कि मुझे पहले भी एक से दो दफ़ा किसी की आवाज़ आई है मैंने उसे कहा कि तुम्हें तो वहम हुआ होगा जब बाकायदा हमें आवाज आई वो आवाज़ मैंने भी सुनी और मुझे भी अपनी बैक साइड से आवाज़ आई हम लोगों को हैरानगी हुई कि हमें तो यहाँ पर कोई जानता है नहीं है और कोई इंसान तो नजर आ नहीं रहा फिर हमें आवाज़ें कौन दे रहा है जैसे हम लोगों ने वो आवाज़ें सुनना शुरू की उन आवाज़ों के तकब में हम लोग उस गली में आगे बढ़ने लग गए काफ़ी बड़ी सी वो गली थी कच्चे कच्चे मकान थे आमने सामने एक घर के पास जाकर खड़े हुए तो उस घर के पास से ही हमें आवाज़ें आ रही थी वो घर ऐसा था वो मट्टी का घर था और उसके आगे भी दरवाज़ा लगा हुआ था और उसके ऊपर भी एक कमरा था अब वो जो कमरा था उस कमरे से हमें आवाज़ें आ रही थी हमारे नाम लेकर हमें कोई बुला रहा था और हम लोग हैरत ज़्यादा होकर देख रहे थे कि हमें कौन जानता है यहाँ पर जो हमें आवाज़ें दे रहा है तभी देखते ही देखते उस कमरे की खिड़की खुली तो वहाँ पर एक औरत खड़ी थी जिसका चेहरा बहुत ज़्यादा ड्रॉगना था इतने खौफनाक चेहरे वाली औरत थी शायद वो कोई जन्नात थे कोई चुड़ेल थी हम लोगों ने जब उसे देखा हम लोगों ने भागना शुरू कर दिया अपनी गाड़ी की तरफ भागे तो वो बकायदा उसने ऊपर से छलांग लगाई और हम लोगों के पीछे भागने लग गई और वो जब हम लोगों के पीछे भाग रही थी ऐसा लग रहा था कुछ जानवर भाग रहे उसकी आवाज़ इतनी हो होगी थी हम लोग दूसरी गली में गए तो वो अगली गली से हम लोगों की तरफ़ आ गई और घोड़े के भागने की आवाज़ थी हम लोग अपनी गाड़ी के पास पहुँचे गाड़ी में जाकर हम लोगों ने अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया वो दूर से भागती हुई वो मखलूक हम लोगों तक आ रही थी हम लोगों ने बहुत मुश्किल के साथ जैसे कैसे करके वो ड्राइवर भी खौफ में था उसने गाड़ी को स्टार्ट किया गाड़ी स्टार्ट होगी हम लोग नहीं जानते कब हम लोग अपने घर पहुंचे उस खौफ के आलम में आधे रास्ते तक वो हम लोगों के पीछे भागी वो क्या मखलूक थी बहुत ड्रामनी वो चीज़ थी जो हम लोगों के पीछे आ रही थी अल्लाह का नाम लिया हम लोगों ने हम लोग घर पहुँचे ड्राइवर बहुत खौफ जदा था बीमार भी हो गया वो बुखार हो गया उससे मैंने उसको अपने घर स्टे करवाया बहुत हम लोग डर गए हम लोगों ने फिर बाकायदा एक कामिल साहब से रुजू किया उनको सारी बात बताई उनका ये कहना था कि वहाँ पर उस पूरे गांव में जिन्नात का बसेरा था इसीलिए वो लोग उस गांव में रात के टाइम बाहर नहीं निकलते थे और हमें भी आवाज़ से वही मखलूक दे रही थी हम लोगों की किस्मत अच्छी थी जो हम लोग जिंदा बच गए उसके बाद कभी भी इतनी देर रात के मैंने सफ़र नहीं किया ये मेरी जिंदगी की एक कहानी थी जो मैंने शेयर की वक़ाश अहमद ने एक शख्स की कहानी शेयर की बहुत शुक्रिया वक़ास अहमद आपका जैसे ये थी आज की खौफनाक कहानी अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें आप लोगों को कैसी लगी आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी आई डी नोशी मिर्ग फिफ्टी पर मेरे एक लिसनर इमरान नाम है उनका उन्होंने कमेंट बॉक्स में एक स्टोरी शेयर की हुई है आपने ये स्टोरी ऑलरेडी मेरे साथ शेयर की हुई है और मैंने इसको ऑन एयर किया हुआ है आप प्लीज़ कोई नई स्टोरी मेरे साथ शेयर करें मैं उसे ज़रूर ऑन एयर करूँगी आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी आई डी फिफ्टी सैवन एट जी डॉट काम पर इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं लिसनर अपना बहुत सा ख्याल रखा करें मेरे एक लिसनर कमेंट बॉक्स में कह रहे थे कि जैसे मैं सबके लिए दुआ करवाती हूँ तो जो हम लोगों के किसान हैं जो गंदुम लगाते हैं जो काश्तकारी करते हैं फ़सलें उगाते हैं तो वो बता रहे हैं कि फ़सलों को बहुत नुकसान हो रहा है ये जो मौसम ख़राब है और बारिशें हो जाती हैं तो आप दुआ करवाएं कि अल्लाह पाक इस मौसम को नॉर्मल कर दें ठीक कर दें और ये हालात ठीक हो जाएं मैं बिल्कुल दुआ करती भी हूँ और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप दुआ करें कि ये जो फ़सलों के लिए नुकसानदेह ये मौसम हो रहा है ये सब ठीक हो जाए जिसमें तो करोना वायरस बहुत फैल गया है बहुत वर्स कंडीशन हुई हुई है प्लीज़ अपना ख्याल रखें अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें सोशल डिस्टेंस मैंटेन रखें मास्क के बिना घर से बाहर बिल्कुल ना जाएं सैनिटाइज़र का यूज़ करें हम लोग ऑलरेडी हम लोगों को इस वबा का पता चल चुका है एक साल से पिछले साल से हम लोग इस वबा के साथ लड़ाई कर रहे हैं पूरी दुनिया कर रही है प्लीज़ अपना ख्याल रखें मास्क के बिना घर से बाहर मत जाएँ कोशिश करें कि गैर ज़रूरी घर से बाहर मत जाएँ और अपने अपने घरों में रहें आजकल सबके पास मोबाइल है वीडियो कॉलिंग पर अपने रिलेटिव्स के साथ बात कर लें लेकिन उनके घरों में ना जाएं, उनको भी ना नुकसान पहुंचाएं और ख़ुद भी ना नुकसान में आए अपना बहुत ख्याल रखें और अल्लाह से दुआ करें इस माह मुबारक के सदके ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया से पाकिस्तान से चला जाए और जो लोग बीमार हैं अल्लाह उनको शफा अता करें इससे हमेशा दुआएं किया करें कि अल्लाह हम सब पर अपना रहम करें कल कर आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी ने खो ना कहानी में अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टेप्लैस्टलानी अल्लाह निकेबान